हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है वायरसेस और वायरसेस से देखिए आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से डीएनए वायरसेस हैं और सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए और फिर आर एन ए वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड और आर एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ठीक है ना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये ओब्लीगेट पैरासाइट होते हैं ओबलीगेट पैरासाइट और इनका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डी एन ए भी हो या आर एन ए भी हो मोस्ट ऑफ वायरसेस में डी एन ए या तो जेनेटिक मटेरियल डी एन ए हो सकता है या जेनेटिक मटेरियल आर एन ए हो सकता है ठीक है अब आप देखिए कि वायरसेस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको डी ऑक्सी राइबो वायरसेस कहते हैं और जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनको हम राइबो वायरसेस के नाम से जानते हैं तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए वायरस और जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आर वायरस कहते हैं अब देखिए एक्चुअली जो डी वायरस है उनमें भी मोस्ट ऑफ आप कह सकते हैं डबल डीएनए वायरसेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्लियर तो और जो डीएनए जो डीएनए वायरसेस हैं वो एनिमल प्लांट दोनों में डिजीज़ कॉज करते हैं जबकि अगर हम आरएनए वायरस की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड आरएनए और आरएनए वायरसेस मोस्टली प्लांट में ही डिजीज़ कॉज करते हैं डी वायरस मोस्टली एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे आर वायरस मोस्टली प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं अब देखिए डिऑक्सी राइबो वायरसेस में हमने आपको बताया मोस्टली एनिमल डीएनए वायरसेस और कुछ प्लांट डीएनए एन ए जैसे कॉलीफ्लार मोजैक वायरस ये डबल स्ट्रेंड डीएनए वायरस है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कॉलीफ्लार मोजैक वायरस है ये डबल स्ट्रेंडेड डी वायरस है और प्लांट में कॉलीफ्लार में डिजीज कॉज करता है जबकि अगर हम बात करें जो डीएनए वायरस हैं डी वायरस में भी आप देखेंगे एनिमल में जो डिजीज कॉज करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत ही रेयर होता है लेकिन फिर भी यहाँ फाइव एक्स वन सेवेंटी फोर एम थर्टीन बैक्ट्रोफेज़ एस थर्टीन बैक्टरफेज ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जबकि पॉक्स वायरसेस टी टू बैक्टेरोफेज टी फोर बैक्ट्रोफेज हरपीज वायरसेस पेपलोमा वायरसेज बहुत सारे ऐसे जो भी हैं, वो सब क्या हैं? आप कह सकते हो डबल डीएनए वायरस हैं। आपको ज्यादातर ध्यान देना है सिंगल डीएनए वायरस और ज्यादातर ध्यान देना है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस क्योंकि डीएनए ज्यादातर डबल स्टैंडर्ड कॉमन होता है लेकिन रेयर क्या है सिंगल स्टैंडर्ड और आरएनए ज्यादातर सिंगल स्टैंड कॉमन होता है रेयर क्या है डबल स्टैंड तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा इस स्लाइड में आपको यही ध्यान देना है कि ऐसा डीएनए वायरस जो प्लांट वायरस है जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है तो आपको याद रखना है वो है कॉली फ्लार मोजैक वायरस ठीक अब हम आते हैं प्लांट वायरसेस के बारे में बात कर सॉरी राइबो वायरसेस के बारे में बात करते हैं राइबो वायरसेस में जिनका जेनेटिक मटेरियल आर है प्लांट आर वायरस और एनिमल आर वायरस भी हो सकता है अब देखिए ये प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं मोस्टली ये प्लांट में डिजीज अब आरएनए वायरस जो है वो मोस्टली प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं या आप ये कह सकते हो कि प्लांट में जो डिजीज कॉज करते हैं वो मोस्टली आरएनए वायरस है ठीक है प्लांट में जो डिजीज कॉज करते हैं वो मोस्टली आरएनए वायरस कॉज करते हैं एनिमल आरएनए वायरस की बात कर लेंगे एनिमल अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू डबल स्ट्रैंड सिंगल में टी है मोजैक वायरस है क्यूबी वैक्ट्रोफेज है बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्टैंडर्ड आने वायरस में रियो वायरस है वाउन ट्यूमर वायरस है मेज डॉर्फ वायरस है राइस डॉर्फ वायरस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एनिमल आर वायरस में एच है आर एस बी रॉस सार्कोमा वायरस पोलियो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ये सब क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड आर वायरस है तो आई होप कि आपको ये आ, बहुत इम्पॉर्टेंट uh, इन्फॉर्मेशन है इसको आप नोट कर लीजिए एग्जामिनेशन में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से क्वेश्चन आते हैं बाकी किसी वीडियो में हम आपको एनवल्बड और नॉन एनवल्बड वायरसेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट बाय बाय